प्रभु आगे बढ़े, मार्गदर्शन प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। महर्षि जी ने स्वागत किया, कंदमूल फल दिया, विश्राम किए, ठाकुर दर्शन हुआ। सत्संग में भगवान ने पूछा, हे महर्षि जी, हम कहाँ रहें? शर्त क्या है? किसी साधु मुनि तपस्वी को कलेश न हो। 14 स्थान बताया है महर्षि वाल्मीकि जी ने, बड़ा प्रिय प्रसंग है, आप अध्ययन कर लेंगे। और अंत में कहा, चित्रकूट गिरी करहु निवासो। चित्रकूट गिरी भास करिए, वहाँ आपको सब प्रकार सुखद व्यवहार सुविधा प्राप्त होगी। तपस्वियों का वही निवास क्षेत्र है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार अपना निवास क्षेत्र तय कर लेता है, जिसका जैसा स्वभाव हो उसका निवास निश्चित हो जाता है। व्यवहार से हम अपना विहार बना लेते हैं, स्वभाव से असन बना लेते हैं, वसन धारण कर लेते हैं, सब निश्चित है। भगवान चित्रकूट पधारे, ऋषि मुनियों ने जाना सुना, सब ने आकर के भगवान का स्वागत किया। प्रभु सबको दंडवत करते हैं भैया के साथ, और सफल होने हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने यथा बताया था कि अत्रि आदि मुनीश्वर वहां वास करते हैं। अत्रि महाराज की प्रिया अनुसुया जी गंगा जी की धार मंदाकिनी जी को अपने तपबल से प्रकटाई हैं। हे राम जी, गिरिश्रेष्ठ कामत जी को आप प्रतिष्ठा प्रदान करिए, वहां रहिए। भगवान आए, मंदाकिनी दर्शन किए, वंदन किए, और मेरे प्रभु का मन रम गया, ऐसा जानकर रम में वो राम मन देवन जाना चले। रात वेश सब आए रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनी न जाही मंजु दुई साला एक ललित लघु एक बेसाला। लखन जान के सही त प्रभु राजत रुचिर निके सोहमदनु मुनिवेश जनु रतिर तो राज्य समें। मन की अवस्था है, हमारे जीवन की व्यवस्था हमारे मन की अवस्था से है। मन प्रसन्न है तो सब ठीक है, मन दुखी है तो सब खटखट है। प्रभु कैसे शोभायमान हो रहे हैं? मानो रति और बसंत के साथ कामदेव जी वन में वास करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ वन में वास करते हैं, ऐसा बाबा को लग रहा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे, सब लगा भगवान वास कर गए। कोल भीलों को पता चला प्रभु आए,
हमारे स्वामी के स्वामी हैं, श्रेष्ठ सखा हैं, स्वागत किए। आपने किसी से कहा ये जा रहे हैं इनका जरा ध्यान रखिएगा, तो वो कितना ध्यान रखता है व्यक्ति, यही आप हैं। उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, आप वो हैं जो ख्याल रखा गया। दूर तक जाती है और देर तक समझ में आती है। इनको जरा देखिएगा, हमारे ही जैसे हैं, बहुत है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। प्रेम कैसा हो, अनुपस्थिति में भी जो उपस्थिति रहे वो प्रेम है, जो अव्याख्य है। हम सब काम कराते हैं, करते बहुत कम हैं। अच्छी बात है, श्रीमान है, सब काम कराइए, पर तो प्रेम कराने से नहीं होता, प्रेम करने से होता है। भजन कराने से नहीं होता, भजन करने से होता है। सब कुछ आप करवा सकते हैं, भजन करवा नहीं सकते हैं। भजन तो करना पड़ेगा, भजन करे के परी। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। अपना भजन, अपना अध्ययन, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी पढ़ाई कोई और पढ़े और रिजल्ट हमको मिले, उसमें फिर नकली सर्टिफिकेट मिलेगा। असली नहीं बनेगा, भज के परी, रमय के परी, प्रेम करे के परी। हमारा प्रेम कोई और करेगा तो उसी का हो जाएगा, हमारा न होगा। होगा नहीं होगा, उधार में नाते नहीं चलते, उधार में व्यवहार नहीं चलता, उधार में व्यापार भी नहीं चलता, तो परमार्थ कैसे चलेगा? संसार का व्यवहार जब उधार नहीं सबता है तो परमार्थ कैसे सबेगा? नहीं सबेगा। इसको तो मित्रों माताओं प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, कर से करना पड़ेगा। निषाद जी के संदेशा पर कोल भील लोग आए भगवान का स्वागत करके, कहते क्या है, प्रभु यहां आपको कोई कलेश न होगा, चिंता मुक्त रहिए आप, हम आपको गिरी कंदरा में, बीहड़ में सिंह सर्प बराह आदि से बचाकर आखेट भी कराएंगे, झरने के पानी में दिव्य स्नान करवाएंगे। हम लोगों का गली गली खोह खोह जोहा खोजा है, किसी प्रकार का संकोच नहीं। क्यों? हम सेवक समेता, नाथन सकुचब आय सुदेता। यह संबंध है, हम आपके सेवक हैं, अकेले नहीं, सब परिवार सेवक है। इसलिए कोई संकोच न हो प्रभु, जो आज्ञा देंगे तत्क्षण हम पूर्ण करेंगे। बाबा का यहाँ निर्णय आया है, वेद वचन मुनि मन यगम
ते प्रभु करुणा ऐ बचन किरातन के सुनत जिम पितो बालक भए। छोटा बच्चा आपको कहे कि हम बड़ा होकर और आपके लिए बाबूजी बहुत बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, तो उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा क्यों नहीं। बिटिया कहे हम तो महल बनाएंगे। बहुत अच्छा बेटा, उत्साह बना के रखिए, डपटिए मत, उत्साह मारिए मत। अवश्य करोगे, अवश्य करोगे, होना ही चाहिए। लेकिन आदमी बात छोटी है, छोटी छोटी बातों पर आदमी ध्यान नहीं देता। हेलो, अब वो महल गिरा बेचारे का, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया हमने। क्योंकि हम अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं ना, हमको बालमन का स्मरण नहीं रहता है। माँ जीजाबाई ने शिवाजी को सदैव वो किला दिखाया, ओ किला वो तुम्हारा है, तुम वहां के राजा हो। तो शिवाजी ने वहां बनाया, हिंदू पद्पाशाही का साम्राज्य स्थापित किया कि नहीं किया। बालमन में आप जो बिठा देंगे वो बैठा रहेगा। स्मरण हो, हम लोग जब छोटे थे, 1 2 3 4 5 6 7 में पढ़ते थे, तो गुरु जी लोग शाम को बिठा करके समझाते थे, प्रार्थना में समझाते थे। तुम ही में सुभाष है डॉक्टर द्विवेदी जी, तुम ही में नेहरू जी है, तुम ही में महात्मा गांधी है, इसलिए अध्ययन करो, आगे बढ़ो। नित्य आजकल विद्यालयों में तुम ही में अजय देवगन बैठा है, तुम ही में सुनील शेट्टी है। महामूर्खों को कौन समझावे। विद्यालयों के जो वार्षिकोत्सव होते हैं केवल फिल्मी गाने बजते हैं। हमारे बच्चे जहां पढ़ते हैं, मैं गया एक बार, वो डीपीएस का छोटा भाई है, गया। हमने कहा मैडम यदि आपको कोई सत्संग का प्रोग्राम करना हो तो बुलाया करो, नहीं तो बच्चों को निकालो हमारे, हम कहीं और पढ़ाएंगे। खैर भगवान की कृपा हुई, उन्होंने बदला, फिर हम वार्षिकोत्सव में जाने लगे। ये चेतना ही नहीं है, चेतना शून्य लोग हैं। बाल मन में जो कबाड़ भर देते हैं, अब कौन कहे, कहे कौन। सभी माता पिता दुखी हैं कि आखिर बच्चों में संस्कार क्यों नहीं आ रहे। अरे भाई तुम्हारे पास है नहीं, जहां मिलना चाहिए वहां तो पूरा खाली है, खोखा है, आएगा कहां से। कथा में आप आने नहीं दोगे, क्योंकि बच्चों का क्या कथा में काम। कथा में वो आते हैं जिनकी कोई घर में नहीं सुनता है। अब बड़ी मुश्किल है, हम कह रहे हैं सुनाने के लिए, सुनने वाला कोई है नहीं। क्यों, जिसको सुनना है वो कहीं और रहता है, जो सुनता है वो कहीं जा नहीं पाता है। संस्कार, कोई बच्चा मिले उसमें संस्कार प्यार से उतारिए। धीरे धीरे संस्कार जब उतरेगा तो यही बच्चे बड़े होकर सुभाष बाबू और नेहरू जी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। स्वामी विवेकानंद बनेंगे, क्यों, उनमें चेतना तो दृढ़ हो। सेवक कहते हैं, सेवक सरकार से कहते हैं, हम सेवक परिवार समेता। भगवान ने लाड़ लड़ाया, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। हाँ बेटा महल बनाना, शाबाश, बहुत सुंदर। ऐसा बच्चों का उत्साह बढ़ा के रखिए, मारिए मत, देखिए कैसे नहीं बनता है। बच्चे ही बड़े होते हैं, खेल खेल में यहां तक यात्रा हो गई। क्यों गर्ग साहब, खेल खेल में यहां तक यात्रा हो गई, खो खो करते करते हम यहां आ गए। खेल खेल में होता है, हम घर में भी खेल खेल में संस्कार का बीज आरोपण करें, बीज बपन करें। बाबा ने क्या कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले लेहु जो जाननी हारा। राम ही केवल केवल प्रेम प्यारा, राम ही बोली राम जानी लेहु जो जाननी। सकल बन चर तब तो
भगवान ने कौल भीलों को बहुत प्रकार प्रेम देकर संतुष्ट किया। सभी नदियां मंदाकिनी जी की और सारे पर्वत कामदगिरि जी की प्रशंसा करते हैं।